ये गाड़ी आपको खरीदने के लायक है या नहीं। 120 के बाद है ना, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी ना, ये बटन्स की क्वालिटी भी, तो यार ये एक मुझे कौन लगा। वेलकम टू वैन कार्स, आज का ये जो वीडियो है ना वो मारुति सुजुकी डिजायर पे होने वाला है। इसके कॉन्स में बताने वाला हूँ, मतलब इस गाड़ी में क्या डिसएडवांटेजेस है। मतलब अभी वाले तो फेस थोड़ा अलग है डिजायर का, बस थोड़ी सी ग्रिल वगैरह चेंज हुई है उस साइड की, पर कोई बात नहीं, हम इस कॉन्स देखेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको खरीदने के लायक है या नहीं, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो पहला वाला इसका कौन है, मतलब डिसएडवांटेज है इसकी स्टेबिलिटी। ये गाड़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है यार हाईवे पे। मतलब 120 के स्पीड तक है ना ये बहुत अच्छी चलेगी, पर उसके बाद है ना ये ऐसी झूलने लगती है यार, क्योंकि ये हल्की है ना, तो इसके स्टेबिलिटी 120 तक आपको बहुत रिफाइंड चलेगी, आपको लगेगा कि आप मस्त गाड़ी चला रहा हूँ मैं। 120 के बाद है ना इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी गायब हो जाती है यार, जैसे हर मारुति की गाड़ी की हो जाती है। ये मतलब इसका वेट बहुत हल्का है ना, तो इसकी वजह से ये स्टेबल वगैरह कुछ भी नहीं रहती। तो ये एक इसका कौन है बहुत बड़ा, कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं, गाड़ी ऐसी झूलती है यार, और ऐसी दूसरी गाड़ी साइड से गई ना तो भी ये बहुत झूलती है। तो फिर ये एक इसका, फिलहाल मैं थोड़ा अंदर बैठ के बात करता हूँ क्योंकि हवा है गाड़ी में। तो इसका दूसरे नंबर का नेगेटिव है इसकी सेफ्टी। ये गाड़ी बिल्कुल भी सेफ नहीं है यार, मतलब ये गाड़ी सेफ नहीं है यार, मतलब बहुत हल्की गाड़ी है, तो इसकी वजह से ना ये हाईवे पे चिपक के नहीं चलती। तो पहला और दूसरा जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी और दूसरा है सेफ्टी। मतलब इसके आप ये डोर भी देखो ना, ये इनमें थर्ड नहीं है यार बिल्कुल भी। ये क्या है, मारुति की गाड़ियां हर, मतलब सारी गाड़ियां उनकी अनसेफ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बहुत मार्केट में जो भी गाड़ियां है ना वो इनके अनसेफ हमें मिल जाती। चलो अभी बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है इसकी पार्ट्स की क्वालिटी यार, तीसरा कौन है। इसकी पार्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको दिखाऊं ना इसकी पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ORVM का। देखो यहाँ पर नीचे देखो, ये निकल गया, फिर उसके बाद नीचे वाला ये निकल गया। मुझे मतलब कुछ कुछ इसके है जिनकी पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं, इसकी भी थोड़ी चीप क्वालिटी लगती है इन हैंडल्स की। ये एक मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा यार, मतलब कुछ कुछ ना ये बटन्स की क्वालिटी भी उतनी, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना इसमें पार्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दी गई यार, मारुति ने ये एक सुधार कर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है ना, उसके लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा, मैं पीछे चलता हूँ पहले, अभी पीछे यहाँ पर मैं बैठता हूँ। और पीछे ना मेन क्या है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हेडरूम देखो यार, मेरा हेडरूम मतलब इतना ही मिल पाता है यार, मुझे हेडरूम इसमें थोड़ा कम है यार। मेरी तो हाइट 5'7" है, कोई 6 फुट का बंदा बैठा ना 6 फुट से ज्यादा भी, तो उसको एक मतलब प्रॉब्लम ही होगा यार। देखो अभी मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, देखो ऐसा अगर मैं देखू ना इतना ही बचता है, और इंसान कैसे जब रिलैक्स बैठता है ना तब ऐसे बैठता है नॉर्मली, इतना ही हेडरूम है यार। इसमें हेडरूम चाहिए था यार थोड़ा, आगे वाले पैसेंजर के लिए तो है, देखो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट का बंदा यहाँ तक आएगा तो उसके लिए इतनी जगह है, पर पीछे वालों को जगह नहीं मिल पाती यार, एक हेडरूम की एक प्रॉब्लम मुझे लगी इसमें। ये एक इसका कौन है। चलो अभी वाला जो कौन है ना वो मुझे रात के समय आपको बोलना चाहिए था, पर अभी वाला जो कौन है वो इसकी हेडलाइट को लेकर, मतलब इसका हेडलाइट का थ्रू मैंने रात में इसको देखा है, इसका हेडलाइट का थ्रू उतना कुछ खास नहीं मिल पाता हमें। अगर रात में कभी इसको मुझे चलाने का मौका मिला तो मैं आपको आगे जाके ज़रूर दिखाऊंगा, पर हेडलाइट का थ्रू इसका उतना भी कुछ अच्छा नहीं मिल पाता हमें। ये एक प्रॉब्लम है, मारुति के बहुत गाड़ियों में प्रॉब्लम है हेडलाइट की, मतलब वैगनर है मेरे उसका भी थ्रू अच्छा नहीं, उसके लिए हमें फॉग लैंप चाहिए था। इसमें फॉग लैंप अगर पावरफुल रहता तो ये हेडलाइट का थ्रो, मतलब हेडलाइट नहीं मतलब गाड़ी की हेडलाइट मतलब लाइटिंग ज़रा अच्छी हो जाती है। अभी इसका थ्रो उतना कुछ खास नहीं मिल पाता हमें। मैं कॉन्स बता रहा हूँ, इसके बाद प्रोज भी है वो भी मैं बताऊंगा। ये वाला जो पॉइंट है ना ग्राउंड क्लियरेंस, वो कौन है ना वो मुझे एक मतलब बहुत लगता है यार, वो सेडान गाड़ियों में रहता ही है ग्राउंड क्लियरेंस का। इसकी 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो कि बहुत कम है, और उसका नतीजा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखो ये एक लटका हुआ है नीचे, गाड़ी थोड़ी सी नीचे से यहाँ पर घिसी हुई है। फिर अगर देखें हम तो यहाँ पर साइड में ये निकला हुआ है, नीचे से बहुत लगी हुई है गाड़ी को। तो यार ये एक मुझे कौन लगा, कि इसमें अगर थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सेडान में आती है ना कि फुल साइज सेडान। फुल साइज सेडान में क्या होता है उसमें ग्राउंड क्लियरेंस का चलता है, मैं ये कॉम्पैक्ट सेडान मिल जाती है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए यार। और ये CNG में लॉन्च कर दिए तो इसमें तो ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी चाहिए था, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसेंजर बैठे तो ये गाड़ी बहुत लगती है यार, स्पेशली ऐसे गांव जैसे एरिया में बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है। ये किसका कौन अगले वाला, ये जो कौन है ना ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। फीचर्स, लो फीचर्स
मतलब इसमें कम फीचर मिल जाते हैं यार थोड़े, कंपेयर करें हम इसके सेगमेंट की गाड़ियों से। यार इसमें एक फीचर की मुझे बहुत कमी लगी यार, VXI वेरिएंट है इसमें तो ये होना ही चाहिए था, तो चलो बाकी का तो देखा जाता है, पर इसमें कौन सा फीचर होना चाहिए था मैं बताऊं ना आपको, तो स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है यार। ये फीचर छोटा फीचर है पर बहुत कभी कभी काम का हो जाता है, क्योंकि आजकल सिग्नल पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब एक बार सिग्नल पे हम खड़े थे, मैं पिछले के साइड में बैठा था, अच्छा हुआ मेरा डोर लॉक था, एक रोड पे अपना सिग्नल पे वगैरह जो मांगते हैं ना पैसे, वो कोई तो आया और उन्होंने मतलब सीधा मेरा डोर का हैंडल, डोर हैंडल बाहर से खींचा, गाड़ी अनलॉक होती तो वो खोल ही देते यार। मतलब ये फीचर एक काम का क्यों है, हम अगर सिग्नल वगैरह पे जाते हैं ना तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो ये फीचर चाहिए था यार, ये एक फीचर एक बहुत मिसिंग लगता है यार इसमें मुझे, अगर वो रहता ना तो एक बहुत अच्छी बात होती। अगले वाला जो कौन है ना, ये पिछले वाली सीट से रिलेटेड है, स्पेस तो इसमें भरपूर है, उसके हम प्रोज में बात करेंगे, पर इसमें 60-40 स्प्लिट सीट नहीं आता यार। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं ना, ये फीचर बहुत जरूरी हमें क्यों मिल जाता है, देखो ये सीट और ये सीट, ये 40% स्प्लिट होती है, ये 60% स्प्लिट होती है, तो इसमें मतलब एडवांटेज क्या है इस 60-40 स्प्लिट सीट का, कि अगर हमें सामान वगैरह रखना हो ना, तो देखो डिक्की में जगह नहीं अगर रही तो क्या है, मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े बहुत सामान रहते हैं, तो हम ये सीट फोल्ड करके वो दो सीट पे बंदे बिठा के ये सीट फोल्ड करके इस पे वो सामान रख सकते हैं। बाय द वे इसकी डिक्की बहुत बड़ी है, मैं नहीं कह रहा, पर इसमें होना चाहिए था रे वो फीचर 60-40 स्प्लिट वाला, तो एक और अच्छी बात हो जाती है, और वो मतलब ये कॉस्ट कटिंग ही लगती है यार मारुति सुजुकी की मुझे, कि इसमें वो नहीं दिया फीचर। तो ये थे कुछ डिजायर के डिसएडवांटेज, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।